गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अनगिनत बच्चों की मौत के मामले में कई खुलासे हुए हैं। कई जिंदगियां जिनका जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई और राजनेता अपनी राजनीति करते रहे। विपक्ष इसके लिए राज्य सरकार को दोषी मान रहा है, जिसकी लापरवाही के कारण कई बच्चे काल के गाल में समा गए तो सत्ताधारी पार्टी इसे डॉक्टरों की कमी बताते हुए कार्रवाई कर रही है। योगी सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 9 लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जा चुकी है। इन्हीं आरोपियों में से एक डॉक्टर कफील खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी बेबसी का बयान कर रहे हैं। इस वीडियो में डॉक्टर कफील अपनी बेबसी का बयान करते हुए कह रहे हैं कि बच्चों की मौत को रोकने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किया और पूरी जान लगा दी। टू सिलेंडर्स एंड हाउ व्हाट कफील डॉक्टर कफील वुड हैव डन विद 3 मोर सिलेंडर इफ ही वुड हैव गॉट। सर, 3 सिलेंडर नहीं लेके आया था मैं, 250 सिलेंडर लेके आया हूँ उस 24 घंटों में, 252 सिलेंडर्स। शाम के 6 बजे तक कोई एक बंदा नहीं था, रात से लेके दिन से लेके पूरे दौड़ते रहे हैं हम लोग, ना ही कोई आया साथ में। डीएम साहब को भी दोपहर में पता चल गया था, सीएमओ सर को भी मैंने फ़ोन किया था, एडी हेल्थ को फ़ोन किया था, सीएमएस जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी सर को फ़ोन किया था। सबसे भीख मांगी थी, सर 50 सिलेंडर दे दो, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, बच्चे मर रहे हैं, आप दे दो। कोई नहीं आया साथ में, सिर्फ सीमित सुरक्षा बल के, उन्होंने भी ट्रक फौरन दे दिया था। लेकिन रात दिन दौड़ने पर भी कोई नहीं आया, जिलाधिकारी को भी अवगत कराया, साथ ही साथ बड़े अधिकारियों को फोन भी किया, सबसे भीख मांगी कि बच्चे मर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया जाए, पर किसी ने कुछ भी नहीं किया। मैंने बच्चों को बचाने का पूरा प्रयास किया तो मेरे पूरे घर को छुपना पड़ रहा है। मैंने पूरी जान लगाकर बच्चों को बचाने का प्रयास किया, भले ही 10 बच्चे क्यों ना बचे हों, लेकिन मुझे इस बात का सुकून है कि कम से कम उनके माता पिता की दुआएं मेरे साथ जरूर हैं। इतना भी किया है, अगर 10 बच्चों को भी जान बचाई है, पता नहीं कितने बच्चों की जान बची और या नहीं बची, पर मेरा एफर्ट था, मेरे दिल से था और मैंने पूरी जान लगाई थी। और मुझे अपने दिल को बार बार जब भी टीवी और यहाँ पे यहाँ सुनता हूँ अपनी बुराइयाँ, बस एक चीज़ मुझे अपने आप को हिम्मत पहुँचाती है कि मैंने उन बच्चों की जान बच गई, चाहे वो 10 बच्चे ही हों। डेस्क रिपोर्ट, जनमत न्यूज़।